जो गुंडा करती है इसके पीछे बढ़ती है, ये जो गुंडा करती है इसके पीछे बढ़ती है। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए आज से हम 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है और पूरे बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आक्रोश किन बातों से लेकर आया, हम आपसे पर्सनली इस मामले में मिल चुके हैं। 2 महीने पहले 23 तारीख को एक आशीष प्रजापति नाम का लड़का फेसबुक पर बाबा साहब के बारे में और हमारी बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं उनके बारे में बहुत आपत्तिजनक शब्द बोलता है। 26 तारीख को उसकी FIR हो जाती है, FIR 26 अगस्त 8 को उसकी FIR हो जाती है। और FIR होने के बाद अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, पूरे 2.5 महीने होने पे आ रहे हैं जी, पूरे 2.5 महीने। दूसरा मामला जी, रामपुर में आपके नॉलेज में था मामला, दो अरेस्ट है और 16 अगर हम सेफ है ना तो पुलिस प्रशासन की बदौलत ही सेफ है। लेकिन पुलिस शायद यमुनानगर की पुलिस, मैंने आपको पहले भी LTO कहा था जी एक बार की यमुनानगर में जो मनदीप टोपरा अध्यक्ष अम्बेडकर युवा मंच, फोन पे भी बात हुई है कि इन चीजों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ले लीजिए आप। सर एक छोटी सी मामले हैं, एक जो मामला है बाबा साहब के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी एक लड़के ने जो गड़ी से है, उसकी FIR जो SET थाना यमुनानगर में हो चुकी है। और एक हमारा है रामपुर का केस जिसमें मुकदमा दर्ज है, उसमें भी 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। बीते 4 दिन पहले वो लोग पहले इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज के लिए दबाव बना रहे हैं, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से धमकी इनको दी जा रही है। परसों 4 दिन पहले ही इनके जो भूस डालने की छाने होती हैं, गुहारे होते हैं, उनमें आग लगाई गई। मौके पर DSP साहब पहुंचे, ठीक है जी, और SHO साहब पहुंचे, उसमें भी तफ्तीश का नाम लेकर उन्होंने वो बात खत्म कर दी और कोई भी अरेस्टिंग उसमें नहीं हो रही। आगे से परिवार के ऊपर जो पीड़ित परिवार है वो भी हमारे साथ मौजूद है यहीं पर, पीड़ित परिवार है, इनकी अंगली कटी हुई है एक छोटी, इनको दबाव बनाया जा रहा है फैसले का। बार बार प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। DSP बुक्कल जी को हमने अल्टीमेटम दिया था, वो कहते मेरे जिम्मेवारी है सभी दोषियों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन कोई भी गिरफ्तार नहीं है। जो मौके के जन SP साहब को मिला है, हाँ जी, उनके आश्वासन से आश्वासन तो सर हमें पहले भी मिल चुके हैं। हम सिर्फ आज अल्टीमेट देंगे 24 घंटे का, तो एक दिन का अल्टीमेट देंगे। अगर उसके बीच दोनों केसों में उनकी अरेस्टिंग नहीं होती तो उसके बाद हम प्रदर्शन करेंगे।